प्रण, आज का मैच देखा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड? बिल्कुल, बहुत ही एक्साइटिंग मैच हुआ है, बड़ा मजा आया है। आज जैसे इंडिया ने धोया ना न्यूजीलैंड को, ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान टीम को दौड़ा था। सीधी सी बात है, जैसे लास्ट मैच में धोया उन्होंने। बहुत ही एक्साइटेड खेला है इंडिया ने आज। इंडिया ने बता दिया कि वो बाप है पूरे वर्ल्ड कप में, इनसे बड़ी टीम पैदा नहीं हुई। सबसे बड़ी टीम इस टाइम जो वर्ल्ड कप में नजर आ रही है वो इंडिया की है। न्यूजीलैंड भी कोई मैच नहीं आ रही थी, लेकिन आज जो इंडिया ने न्यूजीलैंड को मैच हरा के जो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, एक लाइन खेली थी इंडिया ने आज, उन्होंने बता दिया भाईजान इससे आगे नहीं आना, अगर इससे आगे आओगे तो इंडिया मिलेगा, और इंडिया ऐसे मिलेगा जैसे आपको मिलने का हक होता है। वो आपको ठोकेगा भी, बजाएगा भी, और आपको बताएगा भी कि क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, वर्ल्ड कप में ऐसी टीम लेके आते हैं, ऐसे बॉलर्स लेके आते हैं। ये इंडिया बहुत ही बड़ी टीम बन चुकी है। मैं तो खुद परेशान हो गया था इंडिया की टीम को देख के, यार इतनी अच्छे प्लेयर्स, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डिंग भी, ओए मजा आ गया आज के मैच को। आप तो ऐसे खुश हो रहे जैसे पाकिस्तान जीता हो। सर देखें, पहले मैं पाकिस्तान को आगे, मैंने आगे बताया, मैं पहले पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। जो पाकिस्तान की सिचुएशन जा रही है ना, इसके बाद अगर मैं यानी कि देखता हूँ ना, मुझे इंडिया नज़र आता है, इंडिया की टीम नज़र आता है। ये नहीं कि मैं एज ए पाकिस्तानी ये बात करूँगा, मैं एज ए यानी कि स्पोर्ट्समैन बात करूँगा कि उनकी टीम की देखें ना, एफर्ट देखें, उनकी कारकर्दगी देखें, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। इस वजह से मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ कि यार ये वाकई अच्छा खेल रहे हैं और ये वर्ल्ड कप भी डिजर्व करते हैं। इंडिया का आपने मोरल चेक किया है, आपने कॉन्फिडेंस चेक किया है कि कितने कॉन्फिडेंस और कितने मोरल के साथ वो लोग खेलते हैं? सर देखें, वो खेलने ही जीतने के लिए आए हैं वर्ल्ड कप, वो ये वर्ल्ड कप में ऐसे नहीं आए। वो आते हैं ना, जैसे हमारी पाकिस्तान टीम आई हुई है, हाँ जी भाई जान वो खाना पूरी कर लेते हैं, हम लोग ये मैच खेल लेते हैं, बस डेट सीट। वो इंडिया जो है वो खेलने के लिए, जीतने के लिए आया, उन्होंने ये वर्ल्ड कप जीत के जाना है, और वो वर्ल्ड कप जीतेंगे। अभी देख लीजिएगा आप, ये वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इंडिया जाएगी, जीतेगी भी इंडिया, और बाकी टीमों की भी वो कहते हैं ना बिछाड़ेगी, वो हिसाब होगा बाकी टीमों का। वर्ल्ड कप है ही इंडिया का, जब से वर्ल्ड कप शुरू है कामरान, मैं यही बात कह रही हूँ कि वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। आप देखें, अगर न्यूजीलैंड और इंडिया की बात करें, दोनों बड़ी तगड़ी टीमें थी और दोनों कोई भी मैच अभी तक वर्ल्ड कप का नहीं हारी थी, और आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा कर ये साबित कर दिया कि वाकई क्रिकेट इस तरह खेलते हैं और इंडिया क्रिकेट का बाप है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, यही बात से मैं अग्री करूंगा कि इंडिया क्रिकेट का बाप है। न्यूजीलैंड भी इंडिया के सामने फ्लॉप हो चुकी हुई है, सब कह रहे थे कि यार न्यूजीलैंड और इंडिया का में से एक टीम जाएगी फाइनल में, लेकिन आज इंडिया ने जैसे इसको हराया और जैसे इसको ठोका ना न्यूजीलैंड को, सीधी सी बात है अब इंडिया से बड़ी टीम कोई नहीं है वर्ल्ड कप की, वन ऑफ द बेस्ट टीम है इंडिया की। स्पेशली मैं सबसे ज़्यादा जो तारीफ करूँगा रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, और उसकी बुमराह की करूँगा कि इन्होंने जिस तरह अपनी टीम को संभाला हुआ है और जैसे ये अपनी टीम को आगे लेके जा रहे हैं, ये वाकई ही वर्ल्ड कप के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। इनसे बड़ी टीम नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी फ्लॉप, न्यूजीलैंड फ्लॉप, साउथ अफ्रीका फ्लॉप, इंग्लैंड फ्लॉप, और स्पेशली पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में फ्लॉप, जस्ट इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस टाइम, इससे बड़ी टीम कोई नहीं है।